हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में रक्षाबंधन कब है, साथ ही राखी बांधने का मुहूर्त अच्छा सा क्या है, भद्रा कब से कब तक रहेगी, क्या समय सबसे उचित होगा राखी बांधने के लिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ साथ राखी बांधने का तरीका क्या है, किस तरह से राखी बांधना चाहिए, एक नियम होता है ऐसे ही नहीं तो वो क्या है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। रक्षाबंधन की तारीख को लेकर इस बार कन्फ्यूज़न है, ऐसा पिछली बार भी हुआ था। दोस्तों, भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर मतभेद है। हर साल यह त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना बहुत अशुभ होता है। ऐसे में आइए देखते हैं कि यह पर्व 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 तारीख को मनाएं। रक्षाबंधन का तारीख क्या है और साथ साथ में क्या मुहूर्त है जिस समय आप उनको रक्षाबंधन बांध सकते हैं। तो इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से प्रारंभ हो जाएगी। 30 तारीख को ही सुबह से प्रारंभ हो जाएगी 10:58 से। उसके बाद समापन होगा 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर, यानी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पे ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और इसी बीच आपको रक्षाबंधन मना लेना है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जहाँ उदया तिथि की मान्यता है वहाँ 31 तारीख को भी मनाया जाएगा राखी, लेकिन सुबह 7:05 से पहले मना लेना फलदायी होगा अगर उदया तिथि को मान रहे हैं तो। अब जान लेते हैं कि भद्रा काल क्या होता है। भद्रा शनि देव की बहन का नाम है, जो भगवान सूर्य और माता छाया की संतान है। भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। ऐसे माना जाता है कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण का अंत भगवान राम के हाथ से हुआ था। इसलिए किसी भी शुभ काम को करते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा काल ना चल रहा हो। कोई भी शुभ काम करते हैं तो भद्रा का थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाता है। विवाह हो, पढ़ाई हो, गाड़ी ले रहे हैं, कुछ भी काम अच्छा करते हैं तो ये अवॉइड किया जाता है। राखी बांधने का समय, जैसे कि आपको बताया, 30 अगस्त को भद्रा रात में 9:01 तक रहेगी सुबह से ही। तो आप 30 तारीख को अगर राखी बांधेंगे तो 9:01 यानी 9 बजे के बाद ही आपको राखी बांधनी चाहिए। परंतु फिर भी चौघड़िया मुहूर्त है तो आप उस मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। कौन कौन से हैं? अमृत चौघड़िया मुहूर्त राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:34 से 9:10 तक है। सुबह रहेगा 7:34 से 9:10 तक, हालांकि पूर्णिमा नहीं रहेगी उस समय। चौघड़िया मुहूर्त क्या रहेगा? 10:46 से 12:22 तक, इस मुहूर्त में भी बांध सकते हैं। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त आपको मिलेगा एक, ये राखी बांधने का सबसे उत्तम मुहूर्त है, रात में 9:34 से 10:58 तक। टाइम नोट कर लीजिए, रात में 9:34 से 10:58 तक 30 तारीख को राखी बांधने का बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में, क्योंकि भद्रा भी नहीं रहेगी और साथ ही साथ मुहूर्त भी अच्छा है, रात का समय, इस समय आप राखी बांध सकते हैं। और अगर 31 तारीख को मना रहे हैं तो सुबह 7 बजे से पहले आपको राखी बांध लेनी है। इस बार समय का ध्यान रखिएगा। राखी बांधने की विधि, किस तरह से राखी बांधना चाहिए कलाई पर भाइयों को, तो सावन पूर्णिमा के दिन सबसे पहले स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद देवी देवताओं को प्रणाम करें और कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। मंदिर में थोड़ा सा पूजा भी आपको कर लेनी चाहिए। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर, एक छोटी सी कटोरी में ये तीनों चारों सामान अपना रख लीजिएगा। छोटा मीठा है तो मीठा भी आप रख लीजिएगा। और सब राखी की थाली को पूजा स्थल पर रखें और सबसे पहली राखी बाल गोपाल को या फिर अपने ईष्ट देवता को समर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें, बाल गोपाल हैं तो उनको बांधें, नहीं तो आप जो भी आपके भगवान मंदिर में है, जिनको आप मानते हैं, आप उनको राखी बांध दीजिएगा सबसे पहले। राखी बांधते समय भाई का मुँह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रख लेना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली का टीका लगाएं। रोली का टीका सबसे पहला स्टेप होता है टीका लगाना। टीका के ऊपर आपको अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत आपको छींट भी देना चाहिए। तो पहला स्टेप अगर राखी बांध रहे हैं तो ये कर दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले राखी बांधते हैं बाद और काम, तो जो तरीका होता है वो यही होता है कि पहले आप टीका लगाएं, उसके बाद भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं, फिर आरती करनी है आपको। और कहीं कहीं पर बहनें भाई की आंखों में काजल भी लगाती हैं, अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो करिएगा, नहीं है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है।
भाई की दाई कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधे। कौन सा मंत्र बोलना है वो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे राखी के धागे में शक्ति का संचार होता है मंत्र बोलने से। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। अगर बहनें बड़ी हैं तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भाई वस्त्र आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की इसके बाद कामना करें। अब धन जरूरी नहीं है, बहुत कुछ आप कुछ भी छोटा सा भी एक रुपया भी बहुत होता है। अगर बहन खुश हो जाए तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आपको देना चाहिए बहन को, लेकिन कुछ ना कुछ शगुन के रूप में देना जरूर चाहिए, चाहे 10 रुपये 1 रुपये ही दे दें आप। इसके बाद रक्षाबंधन के दिन आपको जो मंत्र पढ़ना चाहिए राखी बांधते समय, वो मंत्र कौन सा है? ओम येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र को आपको राखी बांधते समय ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे धागा को जो होती है एक मजबूती मिलती है। इसके साथ साथ किन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो राखी बांधते समय इस बात का ध्यान दें कि बेड या सोफे पर बैठकर राखी बिल्कुल ना बांधें। बेहतर होगा कि लकड़ी के पीढ़ा छोटा पाटा है ऐसा कोई है इस पर बैठकर और भाई को बिठाकर ही राखी बांधें। भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें और राखी बांधते समय आपका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ हो। दिशा का ध्यान रखें, भाई का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से नियम क्या होते हैं? राखी बांधने से पहले बहन भाई को माथे पर कुमकुम का तिलक और अक्षत जरूर लगाएं। भाई को इस दौरान सिर पर रुमाल रखना चाहिए। भाई इस बात का ध्यान रखें कि राखी को कभी भी खाली और खुले हाथ में ना बंधवाएं। हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ पैसे अक्षत या फिर कुछ नहीं है तो फूल, एक फूल लेकर के अपनी मुट्ठी में बंद करके रखें। ऐसा करने से क्या होता है, घर में संपत्ति का वास बना रहता है। तो ये तरीका ज़रूर करिएगा राखी बंधवाते समय, भाइयों को ध्यान रखना है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी क्षमता के अनुसार बहन को कुछ ना कुछ उपहार में दे, जितनी उनकी क्षमता है। बहन को खाली हाथ नहीं रहने देना है, इससे लक्ष्मी नाराज़ होती है। इसलिए शगुन के रूप में आप चाहे थोड़ा सा ही कुछ दे दीजिए, लेकिन देना चाहिए। भद्राकाल में राखी ना बांधें, इससे भाई के जीवन पर और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए भद्राकाल में भले ही आप राखी ना बांधें, लेकिन भद्राकाल में तो बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों यह है रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भाई बहनों का प्यार सदैव बना रहे, आप सभी एक दूसरे को समझते रहें और प्यार हमेशा जीवन भर बना रहे, ऐसी कामना है।